जब भी हमें टाइफाइड होता है तो हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टाइफाइड में हमारा जो लीवर होता है वह कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो पेट में है उसमें एक जीवाणु आ जाता है जिसका नाम है साइनोनोमा टाइफी। यह जीवाणु हमारे लीवर को कमज़ोर कर देता है। इसलिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों को खाना चाहिए और कौन कौन से चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात, आप किसी भी खाने को लेकर हाथ धोएं, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए सुनिए। सबसे पहले आपको हमेशा पानी पीना है, पानी काफ़ी मात्रा में पीना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पानी पीते वक्त आपका पानी गर्म किया हो, ठीक, बॉयल किया हो पानी को। दूसरी चीज़ कि फ्रिज की रखी हुई किसी भी चीज़ को ना खाएं और ना पिए, फ्रिज की रखी किसी भी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना है आपको। आपको ध्यान देना है कि विशेष रूप से वैसे चीज़ों को खाएं जो कि तरल रूप में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक। इसमें आप जितने भी तरल चीज़ें आते हैं वे सारी चीज़ें आप खा सकती हैं। अगला चीज़ क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फलों का जूस पीना है। आप किसी भी फल का जूस पी सकते हैं, चाहे वह नींबू का हो, संतरा का हो, ठीक ना, या किसी भी फल का जूस आप पी सकते हैं। आपको अगला चीज़ क्या खाना है भोजन के लिए, आप सबसे अच्छा है ब्रेड, ब्रेड खाएं, चाय के साथ खाएं, चाय के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप फल में ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, इसमें आप सेब, नाशपाती, पपीता, अंगूर, ये सब चीज़ें को आप खा सकते हैं। काला जामुन भी आप खा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन सी चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आपको आइसक्रीम कभी भी नहीं खाना है बुखार में, चाहे टाइफाइड का हो चाहे कोई भी। अगला चीज़, आपको घी नहीं खाना है क्योंकि यह लेट से पचता है। अगली चीज़, आपको कोई भी मसालेदार भोजन नहीं खाना है। आपको चिकन नहीं खाना है, ठीक ना, चिकन, क्योंकि यह पचने में काफ़ी टाइम लेता है। मछली भी आपको नहीं खाना है और यहाँ तक कि आपको मटन भी नहीं खाना है। आपको इनसे इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का मीट, मांस, अंडा, इन सब चीज़ों से दूर रहें, ठीक। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसी चीज़ें खाना है जो आपके लीवर को आसानी से पच सके, हमारे पेट में जल्दी से जल्दी पच सके। इन सब का पालन आप 1 से 2 हफ्ते के बीच करना है, आपको 15 दिन करना है, विद इन 15 डेज, ठीक ना, और आपका जो टाइफाइड है बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। और इस बीच आप ध्यान रखें कि पानी से नहाएं तो गर्म पानी करके नहाएं। और हाँ, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, धन्यवाद। और दोस्तों बता दूं कि हमारे यहाँ पे आपको हमेशा ट्रस्टफुल, विश्वसनीय जानकारी दी जाती है, इसलिए आप हमारे कंटेंट पे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। पढ़िए, अपने आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।